जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास क्वेश्चन है जी। एक बंदा है, वो टाइम लगाता है। तो पहली चीज़ हमारे पास टाइम है। टाइम कितना दिया हुआ है? 50 मिनट, ठीक है? और 50 मिनट लगाता है। और दूसरा, और एक ख़ास सफ़र तय करता है। सफ़र जो है वो कॉमन है। और स्पीड कितनी है जी? स्पीड उसकी है कितनी? 6 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है? तो 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। तो ये आपकी एक रेशो बन गई। अब वो कहता है कि अगर स्पीड बढ़ा दे तो 10 किलोमीटर पर आवर कर दे, तो फिर टाइम कितना लगेगा? तो अगेन ये हमारे पास प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया। और प्रोपोर्शन में हमेशा मैंने बताया कि एक डायरेक्ट होता है और एक इन्वर्स होता है। इन्वर्स में, डायरेक्ट में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। इन्वर्स में क्या होता है? एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ कम होती है। तो ये रिलेशनशिप आपने अब देखना है कि टाइम और स्पीड का आपस में क्या है। तो लाजमी बात है, अगर आप स्पीड से जाओगे तो टाइम, ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन में क्या करते हैं? पहला एरो आप क्या करते होते हो? एक्स के ऊपर लगा देते हो। अब दूसरा एरो इसके उल्ट लगाना है, क्योंकि कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। डायरेक्ट होता तो ये एरो भी ऊपर लगा देते, चूँकि अब ये इन्वर्स है तो ये एरो क्या लगाएंगे? डाउन लगाएंगे। तो ये मैंने डाउन एरो लगा दिया, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। अब क्या करेंगे? अब इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो एक्स बटा पचास क्यों लिखा है? क्योंकि एरो नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने एक्स बटा पचास लिखना है। इज इक्वल टू, अब एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, 10 पे तो हेड है एरो का, तो 6 से स्टार्ट हो रहा है ना एरो। तो अब ऊपर से नीचे आपने लिखना है, 6/10 आपने लिख लेना है। तो एक्स 50 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 50 मल्टीप्लाई हो गया। अब आप एक्स निकाल लें चुप करके, 6 × 5 = 30। तो 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है? कितने मिनट्स लगेंगे? 30 मिनट्स लगेंगे जब ये हज़रत जो है वो 10 किलोमीटर स्पीड से भागेंगे। सो है ओवर आंसर इज़ 30 मिनट्स, ठीक है? तो इसमें कोई टाइम कन्वर्जन करने की और ये स्पीड टाइम वाला नहीं था, ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना।